सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग इन दिस चैनल। तो हम लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है, सोचे कि आप लोगों को दिखा दें। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने सर्वो मोटर का यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्वो मोटर और ब्रेडबोर्ड, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमने एक आर्डिनो का यूज किया है। तो आर्डिनो से हम लोग प्रोग्राम किए हैं कि हमारा सर्वो मोटर का मूवमेंट क्या होगा। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या कि देखो, जब आप सोलर पैनल घर पे इंस्टॉल करते हो या फिर पावर प्लांट में इंस्टॉल करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि सोलर एक जगह स्टेबल रहता है, और सन जब मॉर्निंग में तो आगे की ओर रहती है, बट इवनिंग और दोपहर में क्या होता है कि कभी ऊपर चल जाती है, कभी नीचे हो जाती है। इसीलिए हमारा सोलर पैनल फुल 100% एफिशिएंसी से सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। बट हम लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसकी हेल्प से सन के अकॉर्डिंग हमारा सोलर पैनल मूव करेगी। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पर पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये मूव करती है। यहाँ पर हम लोगों ने LDR सेंसर का यूज किया है, जो LDR सेंसर वो लाइट को सेंस करके मोटर को घुमाती है। तो यहाँ से हमने पावर सप्लाई दिया है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क करेगा। देख सकते हैं हमारा, जैसे अभी कि ऊपर लाइट जल रहा है तो वो लाइट की ओर आ गया, यानी कि सोलर पैनल को लाइट की ओर कर दिया। तो आर्डिनो में लाइट जल रहा है हमारा, और ये वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट के अनुसार ये चेंज होने वाली है। देख सकते हैं, जैसे मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया, ये मूव कर रहा है। ये अगर मान लेते हैं कि हमारा फ़ोन का फ्लैश लाइट एक सन है, तो ये एक सन के अकॉर्डिंग मूव करेगी। देख सकते हैं कैसे मूव करता है। जैसे मैं फ्लैश लाइट को घुमाता हूँ तो हमारा प्रोजेक्ट भी घूम रहा है। तो ऐसे काम करता है हम लोग का प्रोजेक्ट। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।